नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। पीसी ज्वेलर लिमिटेड में कल लगा था लोअर सर्किट। बहुत सारा डर का माहौल क्रिएट हो गया था और बहुत सारे लोग शेयर सेल करना चाह रहे थे शाम के टाइम में, लेकिन सेल नहीं हो रहा था। 1 अक्टूबर 2024 कल मार्केट क्लोज होने के बाद कई सारी खबरें निकल के सामने आई है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इनके प्रोफाइल पे जाके, यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे की साइड में, यहाँ पे अनाउंसमेंट में आप क्लियर देख सकते हो ये 1 अक्टूबर 2024 की सारी खबरें। हालांकि ये तो दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है, इसी दोनों न्यूज को दूसरे पीडीएफ टाइप में दिया जाता है, दूसरा मतलब पीडीएफ नहीं दूसरा चीज दिया जाता है, लेकिन ये तीन यहाँ पे हम लोगों को खबरें निकल के सामने आती हुई दिखी हैं 1 अक्टूबर 2024 का, जिसमें अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो यहाँ पे अपडेट है, एक शेयर होल्डिंग की मीटिंग है और डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इशू, इस तरह से यहाँ पे करके दिया गया है, ठीक है ना। तो तीन अलग अलग अपडेट हैं, एक अपडेट, एक शेयर होल्डिंग मीटिंग का अपडेट है, एक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इशू, इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिला है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले जब से इसमें तेजी आ रही है ना, जब से इसके लोअर लेवल से तेजी आ रही है ना, वो तभी से आ रही है जब से इनका ओटीएस हो रहा है, वन टाइम सेटलमेंट कई सारे बैंकों के साथ। तो ये भी एक अपडेट ऑन वन टाइम सेटलमेंट विथ कंसोर्सियम लेंडर, कुछ कंसोर्सियम लेंडर के साथ इनकी जो है वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, मतलब ओटीएस हुआ है, और इसी वजह से इसमें जो है देखने के लिए मिल रहा है। देखिए कंसोर्सियम ऋणदाताओं के साथ एकमुश्त निपटान का उद्यतन यहाँ पे दिया गया है। यह उद्यतन कंपनी के सभी 14 कंसोर्सियम ऋण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋणदाता द्वारा कंपनी के एकमुश्त निपटान ओटीएस प्रस्ताव की स्वीकृत अनुमोदन के संबंध में हमारे पिछले खुलासे के क्रम में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक जो है कंसोर्सियम बना था, 14 कंसोर्सियम जो थे उन्होंने इस बैंक को कर्ज दिया था पीसी ज्वेलर लिमिटेड को, और उन सभी 14 कंसोर्सियम ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले नेतृत्व वाले हैं उन सब ने ओटीएस का इनका जो मतलब है प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया है। ये इसमें एक बड़ी निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे बताया गया है कि ये ऋणदाताओं के साथ चल रहे अपने कानूनी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कंपनी ने ऋणदाताओं के साथ 18 दिसंबर 2023 को मतलब की तिथि वाला ओटीएस प्रस्ताव पेश किया था। कंपनी को सभी ऋणदाताओं ने अपने ओटीएस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया, स्वीकृति मिली है। इसके बाद कंपनी के निपटान की शर्तों को दर्ज करने और लागू करने के लिए 30 सितंबर 2024 को ऋणदाताओं के साथ निपटान समझौता कर लिया गया। तो इस तरह से एक समझौता हुआ। यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी द्वारा नगद प्रतिफल का भुगतान संचरी संरचित जो है भुगतानों में किया जाएगा, जो निपटान समझौते के निष्पादन तिथि से जो है 730 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी द्वारा नगद प्रतिफल का भुगतान प्रमोटर या निवेशक द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले अंतर कॉरपोरेट ऋण वित्त पोषण और निपटान जो है समझौते के जो है अधीन होगा, मुद्रीकरण के अधीन होगा। यहाँ पे बताया गया कि कंपनी ने इक्विटी के परिवर्तन किए जाने वाले जो ऋण को निपटान के लिए समझौते के लिए निष्पादन के लिए तिथि जो है वो 60 दिन के भीतर रखी है। ऋणदाताओं के डीमेट अकाउंट में जारी आवंटित और जमा किए जाना चाहिए जो लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन है। परिवर्तनीय इक्विटी शेयर जो है इक्विटी के लागू कानूनों के लिए यह ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 महीने की अवधि, मतलब 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहेगा इनका, और 60 दिन के भीतर जितने भी ये लेंडर हैं उनको मतलब इक्विटी शेयर दिया जाएगा, परिवर्तित इक्विटी शेयर दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल शेयर कह लीजिए या इक्विटी शेयर ही जारी कर दिया जाएगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, और उस इक्विटी शेयर को 6 महीने के बाद मार्केट में बेच सकते हैं, मतलब एक तरह से 6 महीने के पहले लॉक इन पीरियड भी रहेगा। तो इस तरह से समझ सकते हो आप लोग यहाँ पे दिया गया है, और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि इसके अलावा कंपनी ने निपटान समझौते के निष्पादन के लिए ऋणदाताओं के भुगतान किए जाने वाले नकद प्रतिफल का एक हिस्सा चुका दिया है जो 227 करोड़ रुपये है, और एक प्रतिफल का बड़ा हिस्सा कंपनी के पूर्ण परिवर्तनीय वारंट की सदस्यता के माध्यम से प्रमोटर समूह से जुटाया गया था। तो प्रमोटर
और प्रमोटर ग्रुप को कुछ प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके 227 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, और वो 227 करोड़ रुपए भी दे दिया गया है। मतलब 227 करोड़ रुपए डायरेक्ट दे दिया गया और कुछ को जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ तरह से जो है ये अपने डेट को जो है कम कर रहे हैं, उसका कह लें कि समझौता कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं कुछ मिला के। तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दूसरी खबर आ रही है यहाँ पे, 29वीं एनुअल जनरल मीटिंग इनकी जो हुई थी 30 सितंबर 2024 को इनकी मीटिंग थी। 253,309 इनके जो है शेयर होल्डर थे, और जिसमें से कॉन्फ्रेंस कॉल जो वीडियो हुआ था उसमें एक प्रमोटर और 89 पब्लिक ने हिस्सा लिया था। जो भी रेजुलेशन, दो तीन रेजुलेशन के लिए वोटिंग हुई थी, सबको जो है मेजोरिटी से पास कर दिया गया। कितना शेयर थे, कितना वोटिंग पड़ा है, 57% वोटिंग पड़ा है, और उसमें लगभग लगभग 99% वोट इनके फेवर में पड़ा है। बहुत मामूली सा, आधे परसेंट से कहने केवल ज़्यादा वोटिंग इनके अगेंस्ट में पड़ा है। तो रिजल्ट को अडॉप्ट किया गया, कुछ लोगों का जो है यहाँ पर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट होने वाला था, रमेश कुमार शर्मा का, उनका भी टोटल वोटिंग वही 58% हुआ है, 99% इनके फेवर में वोटिंग पड़ी है। वहीं पे नीचे के साइड में भी देखेंगे तो अच्छा दो ही था, तो दो रेजुलेशन पास करने थे और वो पास हो चुके हैं मेजोरिटी से, 99% से। एक और यहाँ पे कुछ इनका जो है, इन्होंने उस उनको ये कुछ नाम था इनका, उनको जो है चीफ श्री विशन देव, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक है, अगर इनकी अनुपस्थिति में देखेंगे कंपनी के सेक्रेटरी जो हैं वो श्री विजय पनवर हैं, ये काम करेंगे। तो इस तरह से दो लोगों को अपॉइंट किया गया है, और इसकी भी न्यूज निकल के सामने, और इसके लिए भी वोटिंग हुई थी। तो ये कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आई हैं, आप लोग देख सकते हो। अब हर न्यूज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये OTS वाला जो न्यूज़ आई है ना, जो 14 कंसोर्सियम लेंडर के साथ इन्होंने जो है सेटलमेंट किया है ना भाई, और 222 करोड़ डायरेक्ट भी दिया है, और उसके बाद सेटलमेंट कर दिया इक्विटी शेयर भी जारी करके, और 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहेगा। ये न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि कल फिर से जो है तेज़ी देखने के लिए हम लोगों को मिल जाए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब मार्केट में निगेटिविटी होती है ना, जब कोई भी शेयर जो है निगेटिव ट्रेड कर रहा होता है, उसमें निगेटिव सेंटिमेंट बनता है ना, तो छोटी मोटी बड़ी खबरें भी उसमें जो है काम नहीं कर पाती हैं, तब बड़ी खबर चाहिए उसको टर्न अराउंड करने के लिए। तो ये है, देखते हैं, क्योंकि पहले अब देखते रहे होते आप लोग, छोटी बड़ी भी खबर आ रही थी तो कंटिन्यू भाग रहा था, अब लोअर सर्किट लगा है तो मेन टेस्ट कल है। कल अगर लोअर सर्किट नहीं लगता है, इसमें बात कर रहा हूँ गिरावट की नहीं, लोअर सर्किट की, कल अगर लोअर सर्किट नहीं लगता है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत गिर के रिकवर कर जाएगा। तो देख लीजिएगा, कल नहीं मतलब कभी भी रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं कि कल ही कवर कर जाए, कल बस लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए, उसके बाद सब कुछ सही है। तो देख लीजिएगा, मेरा भी अभी इसमें फिलहाल में तो होल्ड करने का रहेगा। अगर कल एक अच्छी सी कैंडल बन जाती है, और बाई चांस अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब तो जो हम लोगों का 80 रुपये का टारगेट है, ये 80 रुपये का दे ही चुका है, 180 रुपये का, अब जो है ये 240 रुपये के टारगेट के लिए भी ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इसको भी देखेंगे फिलहाल में, बस वही कल वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत इसमें आ रहा है लोअर सर की, लाइक करोगे तभी वीडियो बनाऊंगा दबा के।